उत्तमं च करोति सदा राधा ना जाने महिमा कीर्तम। ये कृष्ण चंद्रमा को कह रहे हैं, बोले चंद्रमा अगर मेरे नाम को कोई 100 बार ले, अगर श्री राधा नगर का नाम कोई अगर 1 बार लेते हैं, कहते मैं राधा जी की एक नाम समान मेरे 100 नाम है, मेरे 100 नाम के बराबर है। इसलिए आप वृंदावन में जाओ ना, इसलिए कोई भी कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? जोर से बोलो और जोर से बोलो, क्योंकि एक बार राधा नाम लेने से कृष्ण का 100 नाम लेने का फल अपने आप मिल जाती है। इसलिए वृंदावन सबके सब श्री किशोर जी की नाम लिया करते, श्री राधा जी के नाम लेते हैं। इसलिए राधा जी की महिमा कृष्ण से भी ज्यादा महिमा श्री किशोर जी का, राधा जी का नाम। तब श्री सौनकादि ऋषियों ने सुतो गोस्वामी को प्रश्न करते ही बोले, हे सुतो गोस्वामी आप कृपा करके बताओ, जैसे यहाँ भागवत कथा हो रही है, हमारी राधा प्रिया दीदी हमारे रमेश प्रभु जी कथा करवा रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति को निमंत्रण दो, भैया कथा हो रही है सनातन मंदिर में, कथा सुनने के लिए आओ। अगर किसका कोई छोटे मोटे काम होगा ना, बोले भैया मेरे पास में समय नहीं कथा सुनने के लिए। लेकिन श्री परीक्षित महाराज उसी समय में वो चक्रवर्ती राजा थे, केवल भारत का राजा नहीं, वो संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर राज्य तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने 7-7 दिन सब काम को पीछे रख करके उन्होंने 7 दिन तक कथा कैसे सुने। और श्री सुखदेव गोस्वामी वो इतने बड़े संत थे, एक स्थान पर उतना समय टिकते थे गौ दोहन करने में जितने समय लगता है, उससे ज्यादा समय ये कभी टिकते नहीं थे। इन्होंने 16 साल तक उन्होंने कभी मुंह ही नहीं खोले, बात ही नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने एक बार मुंह खोले ना, 7 दिन तक मुंह बंद नहीं किया। कृष्ण कथा इतना मीठा है, कृष्ण इतना इतना मधुर है, वो मुंह खोले तो 7 दिन तक उन्होंने मुंह बंद ही नहीं किए। अभी हम जैसे कथा सुन रहे हैं ना, परीक्षित महाराज ऐसी कथा नहीं सुन रहे थे, 7 दिन तक जितने लोग वहां पर बैठे हुए थे बिना खाए बिना पिए बिना पैसा पैखाना सब बंद, पूरा 7 दिन तक बैठे करके दिन रात मिल करके कथा सुने, तभी ये 18,000 श्लोक इस तरह से खत्म हुए। पहले पहले जब भागवत कथा होती थी वो बीच में कोई कीर्तन नहीं होता था, भजन नहीं होता था, सवेरे 4 घंटा और शाम को 4 घंटा, पूरा 8 घंटा ऐसे कंटिन्यू कथा होती थी, किसी तरह से भागवत को जा करके समाप्त विश्राम हुआ करता था। अभी 4 घंटा नहीं 3 घंटा होती है, 3 घंटा में भी कोई फिर 2 घंटा के लिए आते हैं, कथा तो बड़े जोर से 1.5 घंटा होगा, इसलिए कथा कैसे समाप्त होगी, ये कथा विश्राम कैसे होगी। इसलिए कथा अगर कंटिन्यू अगर सवेरे 4 घंटा शाम को 4 घंटा होना, भागवत में इतनी कथा तभी जान किस तरह से ये विश्राम होने वाली है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जब मुंह खोले ना, 7 दिन तक उन्होंने मुंह बंद नहीं की, 7 दिन तक कथा 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 सुनाते रहे। तब श्री सौनकादि ऋषि लोग प्रश्न करते हैं, हे सुतो गोस्वामी फिर ये व्यास देव जी ने ये भागवत ग्रंथ को रचना क्यों की, मैंने जो पूछा और जो नहीं पूछा आप कृपा करके हमारे सारे प्रश्न को आप उत्तर दो। जब उन्हें ये प्रश्न को पूछे, श्री सुतो सौनकादि सुतो गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के उनका उत्तर देते हैं, बोले द्वापरे समन प्राप्ते तृतीय युग पर जाए व्यास पराशर उद्योगी दासप्याम कल्याणे। बोले जो व्यास देव है कि साक्षात भगवान की सत्यावेश अवतार थे, ठाकुर जी की ये सत्यावेश अवतार है। एक समय एक ऋषि थे जिनका नाम था पराशर ऋषि, उन्होंने यमुना नदी पार करते हुए मथुरा में आए थे, लेकिन मथुरा से जब वापस जा रहे थे पहले पहले जो केवट होते थे वो नदी किनारे में रहते थे, जब कोई आता था उनको इधर उधर पार करा लेते थे। इतने में पराशर ऋषि जोर जोर से आवाज लगाया, भैया केवट जी मेरे को नदी यमुना नदी पार करा दो। इतने में वो केवट की एक बहुत प्यारी एक लड़की थी जिनका नाम थी सत्यवती, अद्भुत सुंदरी थी। बल्कि सत्यवती की जन्म काल से हुई, बल्कि एक समय स्वर्ग लोक में कोई अप्सरी ने कुछ उल्टा पुल्टा किया, इतने में एक ऋषि ने उसको अभिशाप दी,
बोले जहां तुम मछली रूप में जन्म ग्रहण करोगे, वो जो अप्सर थी वो मछली बनी हुई थी। एक समय स्वर्ग में एक अप्सरा स्वर्ग में उड़ते हुए जा रहा था, जाते समय उसकी रेत स्खलित हुई, होने पर इतने में भगवत इच्छा से वो मछली ने वो रेत को वृक्षों को पान की तो मछली के पेट में वो लड़की जन्म हुई। इसलिए एक केवट ने वो मछली को पकड़ा, जब मछली को काटा उसको पेट से अद्भुत एक लड़की जन्म हुई जिसका नाम थी सत्यवती, बाद में जिनका नाम हो गया जोजनगथा। अब सब महाभारत देखे होंगे, सांतन राजा जब प्रज्ञा करने के लिए गए थे उसकी शरीर से इतने सुंदर कमल फूल का खुशबू निकलती थी एक जोजन तक जाती थी, वो राजा उसकी कमल फूल का खुशबू का अनुसंधान करते करते सत्यवती को देखे, अद्भुत सुंदरी थी। हैं इसलिए कहते जिस समय केवट ने कहा बेटी बाबा बाबा आए हैं उनको थोड़ा नदी पार करा दो, जब वो नदी पार करा रही थी ऋषि ने देखा ये कोई लड़की साधारण नहीं, ये तो तिब्बत लड़की है। तब उन्होंने उनको परम्पर तिब्बत दृष्टि से देखा तो दर्शन मात्र से ही ये श्री व्यास देव जन्म हुई। जब व्यास देव जन्म हुई एक टापू से जन्म हुई सत्यवती तो शर्मी गई और शर्मिंदा में पड़ गई, अभी मेरी शादी नहीं हुई, शादी से पहले मेरा बच्चा हो गया, दुनिया मेरे को क्या बोले। पराशर बोले बेटी कोई चिंता मत कर, ये जो बेटा है ना ये बेटा साधारण नहीं है, ये भगवान की सत्यावेश अवतार, एक दिन तुम्हारी जो खानदान को यही एक दिन रक्षा करने वाले, इसी से ही तुम्हारी खानदान आगे बढ़ेगी और इसी से तुम्हारी बदनाम नहीं, इससे सारा दुनिया में तुम्हारी प्रशंसा सारा दुनिया में होगी। इसलिए कभी श्री व्यास का नाम पड़ गया कृष्ण द्वै पायन व्यास, मतलब कृष्ण मतलब देखने में कृष्ण वर्ण जैसे थे, द्वै पायन मतलब दीप से प्रकट हुए, वेद व्यास मतलब है जिन्होंने ये वेद को जिन्होंने प्रकाश की, इसलिए इनका नाम श्री वेद व्यास नाम पड़ा। इसलिए श्री भगवान की ये सत्यावेश अवतार इन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से उन्होंने भगवान की सारे लीला को उन्होंने दर्शन किया है। इसलिए पहले एक ही वेद था, इन्होंने एक वेद को उन्होंने चार वेद रूप में प्रकाशित किया, ऋ यजु श्याम और अथर्व वेद रूप में, फिर उन्होंने उपनिषद को उन्होंने वर्णना की, फिर उन्होंने ब्रह्म सूत्र को बनाया, फिर उन्होंने देखा स्त्री और शूद्रों को ये वेद में अधिकार नहीं, फिर उन्होंने पंचम वेद श्री महाभारत को बनाया जिसके अंदर में ये भगवत गीता, जिसके अंदर में ये भगवत गीता। लेकिन इतने सब कुछ करने के बाद में भी इनके मन में शांति है, इतनी बड़ी उदास होकर के बैठे हुए थे बद्री के आश्रम पर। इतने में श्री भगवत इच्छा से श्री नारद जी बिना बजाते बजाते ठाकुर जी की कीर्तन करते करते श्री नारद जी वहां पर आते हैं, प्रभु का कीर्तन सुनने के लिए। अब एक भजन सुनो, वने वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। कि ब्रज समुद्र मथुरा मन वृंदावन मकरंद ब्रज वनिता सब पुष्प है मधुबर गो अरे बाकी बिहारी की देख छता अज मेरा मन है जय बाकी बिहारी की देख छता Oh,
देखिए हम लोग जहां जाते हैं कीर्तन शुरू और ताली बजाना बजना शुरू, लेकिन यहाँ के लोग कुछ शर्मा से ज्यादा रहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ताली बजाए हम सब ना आ सकते कोई बात नहीं, ठंडी बहुत है। लेकिन ठाकुर जी के सामने बहुत शर्म आती है, लेकिन यहाँ ठाकुर जी के सामने शर्म लज्जा भय नहीं आना चाहिए, क्योंकि मीराबाई जो है भक्तिमती मीराबाई पग में घुंघरू बांध के नाच रही थी, नाची थी कि नहीं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची गई, नाची थी कि नहीं। तो आप लोग लज्जा बिना भय को त्याग करके ठाकुर जी के सामने कम से कम नाच इसे फायदा मिले। अरे बात की बिहारी
उसी को बाकी बिहारी मिलेगी। ओ मेरे देवी को मस्त बिहारी